हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है इस नए वीडियो में। बात करेंगे एसबीआई पीओ 2022 का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ। 22/9/2022 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है। 12/10/2022 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप जनरल ओबीसी से आएंगे तो आपको जो है 750 रुपये का अप्लीकेशन फी जमा करना होगा। ईडब्ल्यू से भी आएंगे तो 750 रुपये। बाकी विकलांग एससी एसटी को जो है 1 भी रुपये अप्लीकेशन फी नहीं देना है फॉर्म भरने के लिए। और अगर आपको फॉर्म को भरना है तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। और कुछ इस प्रकार से वेबसाइट दिखता है, इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म को भरना है। साथ ही साथ बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, अगर आप एसबीआई बैंक पीओ का जो है बेस्ट बुक आप ढूंढ रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन जो है वन ऑफ द बेस्ट बुक लेकर आ चुका है एसबीआई पीओ का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भर्ती परीक्षा 2023 के लिए फेज 1 एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये जो है बुक आपको होने वाला है और पिछले 5 वर्षों का जो है हल प्रश्न आपको मिल जाएगा व्याख्यात्मक सहित। और जो नया पाठ्यक्रम है उसके आधारित बेस पे है। इसमें देख सकते हैं 2450 प्लस बहुविकल्प प्रश्न आपको जो है व्याख्यात्मक हल सहित मिल जाएंगे। 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे हल सहित मिलेगा। 5 सॉल्व पेपर भी आपको हल सहित मिल जाएगा। तो ये बुक का मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। और देख सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन का है, आप अपने नियरेस्ट दुकान से भी खरीद सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पे आपको एक येलो कलर में बटन मिलेगा, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से अब आपको जो है अपनी जानकारी को भरनी है, जैसे कि यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम कन्फर्म दोबारा से करना है, फिर मिडिल नेम कन्फर्म करना है, लास्ट नेम कन्फर्म करना है। उसको ऑटोमेटिक यहाँ पे पूरा नाम लिख देगा, मोबाइल नंबर कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस यहाँ लिखेंगे और एट द रेट के बाद यहाँ से आपको चूज करना है कि आपका जीमेल है हॉटमेल है क्या है। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से उस ईमेल आईडी को अच्छे से लिखेंगे एट द रेट के साथ पूरा, फिर इस सिक्योरिटी कोड को यहाँ भरेंगे जैसे जैसे ये लिखा हुआ कैप्चा और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, पासवर्ड मिल जाता है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर का जो फाइल नेम है फ्रेंड्स, उसमें कोई स्पेशल करेक्टर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई स्पेशल करेक्टर स्पेस भी होगा ना तो फॉर्म यहाँ पे अपलोड नहीं होगा, फोटो अपलोड नहीं होगा या सिग्नेचर भी अपलोड नहीं होगा। तो जो भी आप फोटो सिग्नेचर का फाइल है उसका फाइल नेम किसी एक शब्द में रखेंगे तो इजिली अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे गाइडलाइंस दिया गया, इस पे क्लिक करेंगे तो गाइडलाइंस आपको देखने को मिल जाता है। आपको जो डिक्लेरेशन करना है आगे चल के, डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करनी है तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा। लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी अपलोड करना है। और उसके बाद से फोटोग्राफ का साइज बोला गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 से 50 के बीच का होना चाहिए, 200x230 पिक्सल का होना चाहिए। और यहाँ पे जो सिग्नेचर का साइज बोला गया 10x20 के बीच होनी चाहिए। ये आप साइज रखेंगे आपका इजिली जो है यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। सिग्नेचर जो ब्लैक इंक से होना चाहिए, यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से। तो ये फ्रेंड्स जो है प्रेफर किया गया है आपको जो है इसी कंडीशन में जो है सभी चीजों को अपलोड करनी है। और यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन भी बोला गया है कि आपको ब्लैक इंक से ही आपको व्हाइट पेपर पे जो है डिक्लेरेशन को अपलोड करनी है और 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। चलिए ये आपका जो है गाइडलाइन से फोटो सिग्नेचर लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटेन का। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फोटोग्राफ को चूज करते हैं और यहाँ पे इसको कंफर्म करते हैं, फिर सिग्नेचर को चूज करते हैं, इसको यहाँ पे कंफर्म करते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप फोटो सिग्नेचर अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, अगले स्टेप में यहाँ पे अब आपको जो है बेसिक जानकारी भरनी है। यहाँ सबसे पहले आपसे अपने कैटेगरी को बतानी है, आप जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से आएंगे तो आपको यहाँ पे सब कास्ट बताना होगा कि आपका सब कास्ट क्या है। देखिए यहाँ पे जनरल पे बोल नहीं पूछ रहा है सब कास्ट, ईडब्ल्यूएस में देखिए यहाँ पे डी हाईलाइट है। तो एससी में अगर हम चूज करते हैं तो देखिए यहाँ पे सब कास्ट लिखने का ऑप्शन खुल गया। तो आपको सब कास्ट में क्या भरना है, जैसे मान लीजिए आप जो है धोबी है, बढ़ई है, लोहार है, गोयता, जो भी आप हैं अपना कैटेगरी, चमार है, शर्मा है, जो भी है आप अपना यहाँ पे बताएंगे। ईडब्ल्यूएस से अगर आप यहाँ टिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको ईडब्ल्यूएस के लिए ये वाला ऑप्शन आपको बताना होगा, टिक करना होगा कि हाँ आप जो है कंफर्म कर रहे हैं कि आप जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो है अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को देंगे, तो यहाँ पे आपको ये टिक करना होगा। तो ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा सा अलग कंडीशन है, ओबीसी एससी एसटी के लिए अलग कंडीशन है, देख रहे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है बताएंगे, तो आप अपना कैटेगरी यहाँ पे चूज करेंगे, जो भी है उसके अकॉर्डिंग भरेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि आप विकलांग है, अगर विकलांग है तो यस करें वरना नो करेंगे, ये सब डिसेबल है, देख रहे हैं यहाँ पे सारा चीज डिसेबल है। फिर पूछ रहा है कि आप रिलीजन कौन सा बिलोंग करते हैं, आप हिंदू मुस्लिम क्या है।
मिलिट्री कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यस नो में बताएंगे, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, यस नो में बताएंगे, ये सब भी डिसेबल बता रहा है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स पूछ रहा है कि आपको मेंशन करिए कि आपने जो है एसबीआई बैंक पीओ का जो है कितना बार एग्जाम अपियर किए हैं, और यहाँ पे ये बताया गया है कि 18/4/2010 के बाद का जो है आपको काउंट करके बतानी है, और आपको जो है मेंस एग्जाम जिसमें आप अपियर हैं वही आपको काउंट करना है। तो अगर आप हैं इस तरह कैंडिडेट्स तो बताइए कितना चांस, दो चांस, एक चांस, या नहीं किया तो जीरो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। अब यहाँ फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको जो है कोई रिकॉर्ड है जिसमें लोन्स क्रेडिट का जो है आपको ड्यूज है, ये सब जो है आपके अगेंस्ट आपके नाम, तो यहाँ पे आपको नो कर देनी है, अगर है तो यस कर सकते हैं। फिर आपके जो है करेक्टर के बारे में पूछ रहा है कि एडवर्स है, आपको यहाँ पे यस नो में बतानी है तो नो कर देंगे। और यहाँ पूछ रहा है कि आप जो है ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्कियल कैडर में इंप्लॉई है, यस नो में बतानी है। फिर पूछ रहा है कि क्या आप जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर कैडर में इंप्लॉई है, यस नो में बताएंगे। क्या आप जो है एक्स इंप्लॉई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, यस नो में बतानी है। ये सब जो है आप देख लेंगे, अपने अकॉर्डिंग भरेंगे। फिर आपको इंश्योर करना है कि क्या आप जो है इलिजिबल है या डिसेबल है, यहाँ पे आपको यस करना होता अगर आता तो, यहाँ आप इलिजिबल है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। पेन नंबर आपके पास है तो यहाँ पे पेन नंबर बताइए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। नेशनलिटी ऑलरेडी इंडियन रहेगा। यहाँ पे आपको जो है अपना एग्जामिनेशन सेंटर की च्वाइस करनी है कि आप जो एग्जाम सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं, तो आप किसी भी राज्य में रख सकते हैं। आप वो राज्य चूज करेंगे और ऑटोमेटिक स्टेट कोड आ जाएगा, फिर एग्जाम सेंटर उस राज्य में जहां जहां एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं वो शो हो जाएगा, आपको अपना एग्जाम सिटी च्वाइस कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो एग्जाम सेंटर ऑफ मेंस एग्जाम, जो मेंस एग्जाम होगा उसका आप राज्य चूज करिए कहाँ रखना चाहते हैं, और यहाँ पे एग्जाम का जो है सेंटर आप कहाँ रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है एक आईडी प्रूफ आपको कन्फर्म करनी है जो आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए, यहाँ पे यस करेंगे, जो आपके नाम अच्छे से मैच हो। उसके बाद यहाँ पे आईडी प्रूफ इसमें से च्वाइस करनी है, इसमें देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शन है, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, जो भी आपके पास है उसको चूज करेंगे, उसका नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है, जेंडर चूज करनी है, अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, और अगर जुड़वा भाई बहन होते तो यहाँ पे उसका जेंडर बताते और उसका नाम भी यहाँ पे बताना होता, नहीं है तो नो करेंगे, डिसेबल रहेगा। मैरिड स्टेटस बताएंगे, मैरिड है कि अनमैरिड है, फर्स्ट फादर नेम और मिडिल फादर नेम, और यहाँ पे मिडिल लास्ट नेम, पिताजी का नाम लिखना है फर्स्ट मिडिल लास्ट ऐसे करके, उसी तरह से मदर्स का नाम लिखना है। उसके वजह से स्पॉस नेम, अगर आप कोई लेडीज हैं मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे स्पॉस नेम में लिख सकती हैं। यहाँ पे आपको अपना प्रॉपर एड्रेस को फिल करना है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट सब चीज अच्छे से लिखना है, पिन कोड लिखना है। अगर आपका जो है एड्रेस कोरोस्पेंडेंस की तरह सेम सेम है, परमानेंट एड्रेस भी, तो परमानेंट एड्रेस को यहाँ टिक करेंगे तो सेम सेम कॉपी हो जाएगा, अगर दोनों डिफरेंस है तो दोनों मैनुअली आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फी दिखाएगा तो यहाँ पे चेक करना है, उसके बाद से यहाँ पे आपको वैलिडेट करना है, कोई भी मिस्टेक होगा तो यहाँ शो हो जाता है, नई मिस्टेक है तो यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करनी है। अगले स्टेप में फ्रेंड्स अब आपको जो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज के बारे में बतानी है, तो यहाँ पे देखिए आपको एग्जामिनेशन पूछ रहा है कि कौन सा एग्जामिनेशन आपने पास किए हैं कि अपियरिंग है, तो यहाँ पे अगर आप पास किए तो पास चूज करेंगे और अपना डिग्री का नाम यहाँ पे चूज करेंगे कि आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, जो भी है, सीए है, मेडिकल, जर्नलिज्म, लॉ, बीबीए, बीसीए, जो भी आपने किया हुआ है उसको चूज करेंगे, अपना इंस्टीट्यूट का नाम या कॉलेज का नाम लिखेंगे, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम मतलब उसका स्थान लिखना है, ये नहीं कि उसका नाम ही लिख दो, प्लेस पूछ रहा है जगह जहां से आपने पढ़ाई किया हुआ है। फिर यहाँ पे जो है अपना पासिंग ईयर परसेंटेज, और यहाँ पे आपको बताना है फर्स्ट है कि सेकेंड है कि पास है। उसके बाद अगर मान लीजिए आप अपियरिंग है तो अपियरिंग यहाँ चूज करेंगे, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको जो है 31/12/2022 के पहले आपके पास जो है ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ये चीज आप एक बार जरूर पढ़ लेंगे, ओके कर देंगे। ओके करते ही यहाँ पे आपको देखिए पासिंग ईयर हट जाएगा, क्लास भी हट जाएगा क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट तो है नहीं, तो अब आप केवल जो है इंस्टीट्यूट का नाम और इंस्टीट्यूट का प्लेस आप भर देंगे एड्रेस, और आप आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगले स्टेप में अगर आप इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री किए हैं तो बताएंगे, इस केस में नहीं तो इसे छोड़ देंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन किए तो बताएंगे और नहीं इसे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो है एससी एसटी और रिलीजियन मिनोरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो आप जो है यहाँ पे प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यस कर देंगे और अपना सेंटर बताएंगे कहाँ आप जो है एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं ट्रेनिंग के लिए, नहीं है लेना चाहते तो सिंपल नो कर देंगे, सब डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज बतानी है कि आप कौन सा लैंग्वेज जो है रीड राइट स्पीक कर सकते हैं, और भी दो बॉक्स है, अगर आपको और एक्स्ट्रा लैंग्वेज पता है तो आप वहाँ इंग्लिश या और भी जो भी है आप लिख सकते हैं, और रीड राइट स्पीक है तो आप इसे टिक कर सकते हैं। फिर वैलिडेट करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही यहाँ पे आपको प्रीव्यू खुल के आ जाएगा, एक बार अच्छे से सभी चीजों को वेरीफाई करेंगे कि आपने जो भी जानकारी फील किया है वो सब चीज आपने सही सही फील किया हुआ है। यहाँ पे आपको इस पे टिक करना है कि आप एग्री कर रहे हैं सभी जानकारी सही है,
और यहाँ पे आपको ये भी एग्री करना है कि आई कन्फर्म डेट माई नेम इज फिल्ड इन द मी एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैच, ये आपको टिक करना है। आईडी प्रूफ के साथ आपका जो है सारी जानकारी मैच कर रही है, यही दो टिक करना है। उसके बाद से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करनी है। कंप्लीट पे क्लिक करते ही आपसे श्योर कराएगा, ओके करेंगे, ओके करते ही नेक्स्ट स्टेप में आप पहुंच जाएंगे। अगले स्टेप में आपको जो है थंब इंप्रेशन, लेफ्ट का थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करनी है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करनी है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको क्या अपलोड करनी है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, हैंड रिटन में आपका जो टेक्स्ट है व्हाइट पेपर पे ब्लैंक पेन से आपको इतना मैटर लिखना है, जैसे कि आई आपका नाम रहेगा, फिर कॉमा देके डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि सभी जानकारी जो आप यहाँ दे रहे हैं वो सब चीज सही है। तो इतना मैटर आप क्या करेंगे, अपने खुद के हैंड रिटन में लिखेंगे और उसको स्कैन करेंगे, ब्लैंक पेन से लिखना है और यहाँ पे आपको उस हैंड रिटन वाले में अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको चूज करनी है, चूज करेंगे तो फाइल चूज हो जाएगा, उसके बाद से आपको प्रीव्यू दिखाएगा, आप जो है कंफर्म करेंगे, सिक्योरिटी कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपसे श्योर कराएगा, आपको ओके करना है, ओके करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो है फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे इलिजिबल रहेंगे अप्लीकेशन फी देने के लिए, जैसे जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस आएंगे तो आपको अप्लीकेशन फी जमा करना होता, फिर आपका फॉर्म फाइनल सबमिट होता। मैं यहाँ पे एसटी कास्ट से अप्लाई कर रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पे जो है डायरेक्ट ये सबमिट हो गया और यहाँ पे आपको प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको जो है SBI बैंक PO का फॉर्म को अप्लाई करना है और उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ में आ गया होगा। अगर आपको फ्रेंड जो है वैकेंसी की अपडेट चाहिए मोबाइल एप्लीकेशन पे, तो आप प्ले स्टोर से DS हेल्पिंग फॉरएवर की जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं DS हेल्पिंग फॉरएवर। इस एप्लीकेशन पे आपको जो है लेटेस्ट जॉब की जानकारी जो है प्ले स्टोर मोबाइल में मिल जाएगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, हमें दीजिए जाए तो, और देखते रहिए DS हेल्पिंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।